Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स की। आप लोग यहाँ पे आ चुके, थोड़ा सा लेट हो गया, टेक्निकल इश्यूज कुछ थे। आइए शुरू करते हैं तो अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। थोड़ा हम जल्दी चलेंगे बिकॉज आपका मैंने अमूल्य टाइम थोड़ा सा वेस्ट कर दिया है, तो थोड़ा थोड़ा एक साथ चलेंगे पैटर्न को मिलाकर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ, जो ये रहा हमारे स्क्रीन पर। वर्क अनटिल यू नो लॉन्गर हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। कल की क्लास में मैं आपको समझा रहा था कि हमारे जो सपने होते हैं वो कहाँ तक होते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या हैं। तो अगर हम सोच रहे हैं कि हमें सिलेक्शन लेना है तो हम बड़ी चीज़ें सोचें, हम पॉजिटिव सोचें और अपने आप को हम जानें। दुनिया में काफ़ी लोग आए हैं जिन्होंने अपने नाम कमाए हैं किसी भी सेक्टर में। आप भी अपने नाम कमा सकते हैं किसी भी सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। बस अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है और सोचना, माइंडसेट बड़ा रखना, ब्रॉड माइंडेड होना कि हमें ये तो ठीक है शॉर्ट टर्म चीज़ें, हमें और आगे जाना है, हमें अनंत से भी आगे जाना है। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले साइट के साथ जो हमारा इंडेक्स पे है, और क्या क्या आपको यहाँ पे मिलने वाला है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम दे रहे हैं। बाद में एमसीक्यूज भी होंगे तो देख लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला स्लाइड जो कि होगा डिफेंस एक्सरसाइज पर, और यहाँ पर हम इंडियन नेवी की बात कर रहे हैं। तो इंडियन नेवी जो है ये ट्रॉपेक्स जनवरी में करेंगे। ये ट्रॉपेक्स क्या है पहले समझ लेते हैं। देखिए, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और आर्मी और हमारे कोस्ट गार्ड, इनका क्या क्या एबिलिटीज है, ये युद्ध के टाइम पर कैसे वर्क कर सकते हैं, एक कह सकते हो कि आप ज्वाइंट एक एक्सरसाइज होगी हमारी नेवी की, आर्मी की और एयरफोर्स की और कोस्ट गार्ड की। तो ये ट्रॉपेक्स की बात हम कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन दिखाएंगे। देख लेते हैं यहां पर, देखिए तो इंडियन नेवी की बात करें तो थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, इसे हम क्या बोल रहे हैं, ट्रॉपेक्स बोल रहे हैं, जो जनवरी में होगा। नीचे वाले पॉइंट में वही सेम बातें बोली जा रही हैं कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड का ये एक परीक्षण है, ये एक कहते हैं ना कि चेक करना होता है कि युद्ध के टाइम पर सब लोग मिलकर कैसे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दिया, आगे बढ़ेंगे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, कल हमने आपको इंडियन एयरफोर्स का डिफेंस एक्सरसाइज पूरा इस साल का दिखाया था, और आज हम आपको इंडियन नेवी के एक्सरसाइज दिखा रहे हैं कि इस पूरे साल में इंडियन नेवी ने कौन कौन से एक्सरसाइजेस किए हैं। यहां पर आप इप्सा मार देख पा रहे हो, मालाबार देख पा रहे हो, मिलान, सिम्बेक्स, स्लाइनेक्स और वरुणा, ये सारे इंडियन नेवी के एक्सरसाइज हैं जो इस साल हुए हैं। मैंने पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको दिया है, बड़ी अच्छी स्लाइड है। हमारे करंट अफेयर्स में हम कोशिश करते हैं कि आपको नई इन्फॉर्मेशन तो दें, साथ ही साथ जो पुरानी चीज़ें हैं जिस पर धूल पड़ चुकी है ना उसको भी साफ करते चलें। और ये आप लोग अच्छे समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो स्टूडेंट है उसका माइंडसेट मैं समझता हूँ बिकॉज मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ। नई चीज़ें हम याद रखते हैं लेकिन पुरानी चीज़ें हम हमेशा भूल जाते हैं, तो ये एक्सरसाइज, ये स्लाइड आपको हेल्प करेगी याद करने में चीज़ों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंशुल पांडे बोल रहे हैं याद है, थैंक यू सो मच अंशुल, बहुत अच्छा। आइए आगे बढ़ेंगे और एग्रीमेंट और एमओयू की बात करेंगे, और यहाँ पर एमओयू साइंड बिटवीन महाराष्ट्र एंड बहरीन। तो महाराष्ट्र और बहरीन के बीच में एमओयू साइन हुआ है, एमओयू किस लिए साइन हुआ है आइए देखते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ बहरीन साइंड एमओयू विथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। और नीचे वाले पॉइंट में देख लें तो दोनों देश काम करेंगे फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए। तो देखो पूरी कहानी पढ़ो, अच्छा केवल दो बात याद रखो, इंडिया, बहरीन, और मुद्दा क्या होगा, फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। जैसे आप लोग देखते हो फोन पे आ गया, यूपीआई आ गया, एनईएफटी, आरटीजीएस आ गया, फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा बहरीन के बारे में इंफॉर्मेशन देना तो बनता है। बहरीन, तो बहरीन की कैपिटल क्या है, मनामा, और करेंसी क्या है, दिनार। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, हमने किंग और प्राइम मिनिस्टर का नाम भी यहां पर दिया हुआ है। तो बहरीन के किंग कौन है, हमद बिन ईसा अल खलीफा, और यहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। तो नाम याद कर लीजिएगा, अच्छा नाम है। तो ये बहरीन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र क्यों पीछे रहे, तो महाराष्ट्र के भी स्टैटिक पॉइंट यहाँ पर आपको हम दे रहे हैं, हु इज चीफ मिनिस्टर, हु इज गवर्नर, कैपिटल, स्टेट लैंग्वेज, स्टेट एनिमल, स्टेट फ्लावर, स्टेट बर्ड, मेजर सिटीज, नेशनल पार्क, रिवर्स, हेरिटेज साइट, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। और गाइस एक बात और, बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि हमें जो आपका पीडीएफ है वो पीपीटी फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें डॉक फॉर्म में चाहिए।
तो अभी कमेंट में मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा, आप वहां पे सीधे जाके डॉक फॉर्म में, डॉक्यूमेंट फॉर्म में आप हमारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो लास्ट तक का वेट करिएगा, लास्ट में पीडीएफ मैं डालूंगा, पीडीएफ डालने के बाद आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। और यहां पर एग्रीमेंट एमओयू का सेकंड पार्ट पर हम चल रहे हैं, जहां पर हम एमओयू की बात कर रहे हैं। तो एमओयू बिटवीन रेलवे एंड मैडम तुसाद म्यूजियम, तो एक एमओयू साइन हुआ है रेलवे के बीच में और मैडम तुसाद म्यूजियम के बीच में। रेलवे के भी अपने म्यूजियम होते हैं। तो बात क्या बोली गई है कि अगर आप टिकट खरीदते हो तो आपको ये दोनों के दोनों म्यूजियम डिस्काउंट देंगे टिकट पर। तो क्या मतलब इसका है, आगे बढ़ेंगे, आपको हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और डीप में देना। देखिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की नेशनल रेल म्यूजियम एंड मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम ज्वाइंट हैंड टू प्रोवाइड एन अमेजिंग कम्बो ऑफर टू दिल्ली एनसीआर टूरिस्ट। अगर आप दिल्ली एनसीआर के टूरिस्ट हैं तो आपको कम्बो ऑफर मिलेगा, क्या आइए देखते हैं नीचे। एज ए पार्ट ऑफ द कोलाबरेशन अ स्पेशल डिस्काउंट विल बी गिवन बाय बोथ म्यूजियम। तो एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यहां पे टूरिस्ट के पर्पस के लिए टिकट खरीदते हो, तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। आगे देखें, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकारी फर्म और एक प्राइवेट फर्म आपस में मिलकर कोई एमओयू साइन कर रहे हैं और इनका मानना है कि पब्लिक इससे अट्रैक्ट होगी। तो इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, आइए बढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कब बना, 1853 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। मिनिस्टर ऑफ रेलवे पीयूष गोयल हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे मनोज सिन्हा जी हैं, राजन गोहेन जी हैं, चेयरमैन अश्विनी लोहानी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चेयरमैन। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी हैं, ये भी आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया और यूएई के बीच में दो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, फिर से एग्रीमेंट और एमओयू की हम बात कर रहे हैं। इंडिया और यूएई के बीच में दो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है करेंसी स्वैप को लेकर। करेंसी स्वैप का मतलब बेटा क्या है, कुछ दिन पहले की बात है हुआ, अभी इंडिया ने जापान के साथ भी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया था जब नरेंद्र मोदी जी गए थे जापान में। तो करेंसी स्वैप का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका का मैक्सिमम बिजनेस होता है बेटा यूरो पर और हमारा मैक्सिमम बिजनेस डॉलर पर होता है। अब ऐसा हो गया कि मान लीजिए हमारे पास ढेर सारा यूरो आ गया और श्रीलंका के पास ढेर सारा डॉलर आ गया, उनको यूरो की जरूरत है और हमें डॉलर की जरूरत है, तो हमने आपस में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया, हमने उठा के उनको यूरो दे दिए और उनसे डॉलर ले लिए करेंसी स्वैप। तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है करेंसी स्वैप पर और दूसरा एग्रीमेंट साइन हुआ है जो अफ्रीका में डेवलपमेंट के वर्क हैं, ये दोनों देश मिलकर करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, स्लाइड यहां पर आ चुकी है जहां पर कंप्यूटर जी ने आपको इंफॉर्मेशन दी है। तो इंडिया एंड यूएई हैव साइंड टू एग्रीमेंट, इतना पहले पढ़ लीजिए, नीचे आइए। तो पहला एग्रीमेंट होगा करेंसी स्वैप को लेकर, जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेंसी स्वैप एग्जैक्टली। एंड सेकंड स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड सर, देखिए। और दूसरा जो एग्रीमेंट होगा वो क्या है यहाँ पर, द सेकेंड एग्रीमेंट वुड इनेबल बोथ साइड टू अंडरटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अफ्रीका, जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा था। तो इंडिया यूएई के बीच में दो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, उसके पहले मैंने आपको मिनिस्टर ऑफ रेलवे और मैडम तुसाद म्यूजियम के बीच में एमओयू पढ़ाया, और उसके पहले मैंने आपको पढ़ा दिया कि बहरीन और महाराष्ट्र के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन यहां तक हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं और एक स्लाइड आगे बढ़ाएं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की हम बात करेंगे। तो देखिए यहां पर एक इमेज आपको दिख रही है, कंप्यूटर जी आगे बढ़े जरा, और आपको फिर से एक बार यूएई के बारे में इंफॉर्मेशन हम दे दें। हम काफी दिन से आपको यूएई के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी, जैसे लाइक कैपिटल की बात करें, लार्जेस्ट सिटी की बात करें या करेंसी की बात करें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको हम दे चुके हैं। चलिए, तो करेंसी आपने देख लिया, दिरहम, आगे बढ़ेंगे और पर्सन ऑन विजिट की बात करेंगे। पर्सन ऑन विजिट, तो हमारी डिफेंस मिनिस्टर 5 दिन के दौरे पर यूनाइटेड स्टेट गई हैं, हमारी डिफेंस मिनिस्टर 5 डे के दौरे पर यूएस गई हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए, डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इज ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू द यूएस ऑफ अमेरिका फ्रॉम दिसंबर 2 to 7 दिसंबर, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी, आगे बढ़ते थोड़ा सा। तो हमारी डिफेंस मिनिस्टर 5 दिन के दौरे पर यूएस में गई हैं, तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंप्यूटर जी आपको दे रहे हैं। तो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, तो निर्मला सीतारमन है हमारी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। इसके बाद डिप्टी मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर सुभाष रामाराव, तो ये हमारे क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है। स्टेट वाले भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। और संजय मित्रा की बात करें तो ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है, संजय मित्रा ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं। उसके बाद डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ये साइंटिफिक एडवाइजर है रक्षा मंत्री के, ये देख लो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ये भी आपको याद रखना है, ये साइंटिफिक एडवाइजर है बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और यहां पर बात करने जा रहे हैं हम लोग, चलो ये इतना इंपॉर्टेंट स्लाइड नहीं है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लें।
यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको है, तो कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हाउस स्पीकर और चीफ जस्टिस, हमने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे लास्ट जॉन रॉबर्ट्स चीफ जस्टिस हैं, ये आपको लर्न करना है बिकॉज ये कुछ दिन पहले का अपॉइंटमेंट है और काफ़ी ये इसमें डिस्प्यूट थे, तो जॉन रॉबर्ट्स आपको याद रखना है, चीफ जस्टिस हैं वहाँ के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेशनल अफेयर्स की बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है बोगी बील ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। आपको पता है कि ये हमारे देश का सबसे लंबा रेलवे कम रोड ब्रिज है, तो सबसे लंबा है तो ये इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़े, देखें इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर 25 दिसंबर को ब्रह्मपुत्र रिवर पे बन रहे बोगी बील ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं और इट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज कनेक्टिंग डिब्रूगढ़ इन असम एंड पासीघाट इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश और आसाम को जोड़ने वाला ये ब्रिज है जो कि डिब्रूगढ़ को पासीघाट से जोड़ेगा, ये आपको याद रखना होगा। डिब्रूगढ़ पासीघाट, डिब्रूगढ़ असम एंड पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़िए, देखिए इसकी टोटल लेंथ है 4.94 किलोमीटर, मींस अबाउट टू 5 किलोमीटर और 32 मीटर अबव है ये ब्रह्मपुत्र के वाटर लेवल से, 32 मीटर ये ऊपर है। ठीक, तो याद रखिएगा। और इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडियन रेलवे, और ये ब्रिज जो है ये इंडियन रेलवे के द्वारा बनाया गया है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अदर इंपॉर्टेंट ब्रिज इन इंडिया। काफी डीप में इंफॉर्मेशन कंप्यूटर जी ने आपको यहां पर दी है। लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज इन इंडिया, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया, फर्स्ट सी ब्रिज इन इंडिया, लार्जेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज इन इंडिया, पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर है स्टैटिक पॉइंट के फॉर्म में, तो आप चाहे तो इसे आराम से याद कर लेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। करंट अफेयर्स में हम कोशिश करते हैं कि आपको हम मतलब अच्छी इंफॉर्मेशन दें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ प्रियंका वर्मा, गुड गवर्नेंस डे की आता है, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर दी है। चलिए नेशनल अफेयर्स की बात करेंगे तो स्वदेश दर्शन, अगर आप मेरा करंट अफेयर शो 2-3 महीने से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने स्वदेश दर्शन पर बात पहले भी की है। तो स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड इन नागालैंड, यानी नागालैंड के कुछ डेस्टिनेशन जो है वो स्वदेश दर्शन के अंतर्गत आ गए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। देखिए तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल सर्किट, यहां पर देखिए पेरिन कोहिमा वोखा प्रोजेक्ट वॉज इनॉग्रेटेड बाई चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड श्री नेफ्यू रियो। तो नेफ्यू रियो ने क्या किया है, जनजातीय सर्किट का विकास, मतलब पेरिन कोहिमा और वोखा, ये क्या है, तीन कह सकते हैं आपकी टूरिस्ट प्लेस हैं, हेरिटेज साइट हैं, तो इनको आपस में जोड़ने के लिए स्वदेश दर्शन का वहाँ पे इनॉग्रेशन नागालैंड में किया गया है। ठीक है, देखिए दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट टू बी इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए अब कैसे पॉइंट आपको याद रखना है, स्वदेश दर्शन स्कीम किसके अंडर में आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में, और नागालैंड में ये पहली बार प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तो पेरेन कोहिमा वोखा परियोजना के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, हाँ नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ये भी नाम आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो इस प्रोजेक्ट के अंदर में क्या क्या चीजें होंगी, तो वहां पर नागालैंड में ट्राइबल टूरिस्ट विलेज, ओपन एयर थिएटर, कैफेटेरिया, हेलीपैड, ये सब डेवलप किए जाएंगे पूरे इन तीनों के बीच में। ठीक है, ताकि टूरिस्ट का जो स्कोप है वो नागालैंड में थोड़ा बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात जरूर करेंगे आपसे, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। तो हमारे देश के मिनिस्टर कौन है रिस्पॉन्सिबल, तो अल्फांजो जो है, अल्फांजो के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास। आगे बढ़ते हैं, तो अदर स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो एक तो आपका प्रसाद स्कीम है, प्रसाद इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपका क्या है, अपना धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट, ये भी टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नागालैंड के बारे में कंप्यूटर जी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, देख लीजिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम दे रहे हैं। अब बुक्स एंड ऑथर की बात करेंगे, तो बुक्स और ऑथर की बात करें तो ब्लू वाटर अहो नामक पुस्तक का अनावरण किया गया, ब्लू वाटर अहो बुक रिलीज्ड। आइए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं क्या क्या दिखना है। देखिए एडमिरल सुनील लांबा चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ रिलीज्ड अ बुक टाइटल ब्लू वाटर अहो। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है कि इस बुक को किसने रिलीज किया है, न कि किसने लिखा है, तो रिलीज वाला पॉइंट भी आपको ध्यान देना होता है। तो एडमिरल सुनील लांबा ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बाद देखें, इट टेल्स इंडियन नेवी हिस्ट्री, 2001 से 2010 तक की नेवी की पूरी हिस्ट्री इस बुक में दिखाई गई है, और ये नेवी डे के मौके पर लॉन्च की गई है जो कि 4 दिसंबर को होता है, नेवी डे के मौके पर। आगे बढ़िए, देखिए द बुक इज ऑथर्ड बाई वाइस एडमिरल अनूप सिंह,
तो वाइस एडमिरल अनूप सिंह के द्वारा ये बुक लिखी गई है, ये भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी, यानी बुक का नाम, किसने रिलीज़ किया, कौन ऑथर है और किस दिन ये रिलीज़ हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आई हैं जिसके बारे में आपको फिर से मैं रिवाइज करा दूं। रेडियो कश्मीर डॉक्टर राजेश भट्ट ने लिखी है, याद करिए मैंने पढ़ाया आपको। द वेलवेट ग्लव्स मैंने ये भी पढ़ाया है, बालाकृष्णा कामत, और एक द ऑथराइज्ड बायोग्राफी एआर रहमान, ये किसने लिखी है जरा मुझे ये बताएं, ये किसने लिखी है, जानबूझ के मैंने नाम दिया नहीं है, और मैं ये भी आपको पढ़ा चुका हूं, तीसरा वाला। ठीक, कमेंट करें, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो जीसेट 11 हमारे देश का सबसे भारी, आप लोगों ने बाहुबली बोला था कुछ लोगों ने, जो ये सैटेलाइट है ये लॉन्च किया गया फ्रेंच गुयाना से। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। तो इसरो की सबसे हैवीएस्ट और मोस्ट एडवांस्ड जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जीसेट 11, ये फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है और इसका दूसरा नाम है बिग बर्ड। ये याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है बिग बर्ड, न कि बाहा कृष्णा त्रिलोक। वेरी गुड, कृष्णा त्रिलोक इज राइट आंसर। ठीक है, बिग बर्ड इसका नाम है। तो अब देखो, अब इसमें पढ़ना क्या है कि लॉन्च व्हीकल कौन सा था। तो लॉन्च व्हीकल का ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है बिग बर्ड वाले पॉइंट के नीचे। द लॉन्च व्हीकल एरियन 5 VA-246 जो है ये लॉन्च व्हीकल है, और ये इंडिया की जीसेट 11 को साथ ही साथ साउथ कोरिया की जियो कॉस्मेट 2A भी लॉन्च करेगा, यानी इंडिया के साथ साथ कोरिया का भी सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा इसके द्वारा। तो लॉन्च व्हीकल का नाम आपको पढ़ना है जो कि है एरियन 5 VA-246, ये याद कर लीजिएगा। और कोरिया का भी सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, उसका नाम उतना डीप में पूछना नहीं चाहिए, लेकिन नाम हमने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो जीसेट के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको कंप्यूटर जी यहां पर दे रहे हैं कि जीसेट सैटेलाइट आर इंडियन इंडिजिनियसली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो जीसेट जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, एक पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन ये बोली गई है कि यूज्ड फॉर डिजिटल ऑडियो डेटा एंड वीडियो ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है, एज ऑफ 14 नवंबर 2018 19 जीसेट सैटेलाइट ऑफ इसरो हैव बीन लॉन्च, आउट ऑफ विच 13 सैटेलाइट आर करेंटली इन सर्विस। तो टोटल 19 सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं, जिसमें से 13 सैटेलाइट अभी वर्किंग में हैं। ठीक है, तो ये पहुंच जाएगा तो ये 14वां सैटेलाइट हो जाएगा जो वर्किंग में रहेगा। चलिए, इसरो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में। फाउंडर कौन है, विक्रम साराभाई, 15 अगस्त 1969 को ये फाउंड किया गया था। डायरेक्टर अभी कौन है, के सिवान, और इसकी सब्सिडरी कौन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। सब्सिडरी का मतलब अंडर में काम करने वाली कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉयल डे सेलिब्रेट किया गया। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉयल डे सेलिब्रेट किया गया। देखिए, तो 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉयल डे सेलिब्रेट किया गया है, ये तो आपको पता था, लेकिन हमने क्या किया, हमने 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के डेज आपको दे दिए हैं ताकि आप इसे याद कर लीजिएगा। तो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं या जाएंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। आगे आपको हम पूरी दिसंबर की इन्फॉर्मेशन देंगे। देखिए, वर्ल्ड सॉयल डे की बात करें तो 5 दिसंबर को मनाया गया, और आपको बस इसकी थीम याद रखनी है, बी द सॉल्यूशन टू सॉयल पोल्यूशन। तो ये थीम आपको याद करनी है, थीम याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे भी सेलिब्रेट किया गया, यानी 5 दिसंबर को 2 डे सेलिब्रेट किए गए, दोनों की इंफॉर्मेशन हमने आपको यहां पर दे दी है। देखिए, तो ये आप याद कर लीजिएगा। देखिए, उसके बाद भी कंप्यूटर जाके बढ़े जरा, तो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे जो है ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है, और सबसे नीचे आ जाइए थीम पर, द थीम ऑफ द इंटरनेशनल वॉलंटियर डे इज वॉलंटियर्स बिल्ड रिजिलिएंट कम्युनिटीज। तो ये दोनों की थीम आपको याद रखनी है। कंप्यूटर जी आगे बढ़े, इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसको हम थोड़ा सा और पढ़ना है, डीप में जानना है, वो जान सकता है, तो ये आप PDF से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और इंपॉर्टेंट डेज इन मंथ ऑफ दिसंबर। तो पहले वाले स्लाइड में हमने 1 से लेकर दिसंबर तक की डेज किए थे, और यहां पर 14 से लेकर 24 तक की डेज हम कर रहे हैं। ये सारे डेज आपको याद कर लेने हैं आज ही, दिसंबर आज कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके अच्छाई के लिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्रांड एंबेसडर की बात करेंगे। तो सपना बर्मन को ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के योनो एप्लीकेशन ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना एक UPI एप्लीकेशन है योनो, और ये सबसे ज्यादा यूज करने किया जाने वाला एप्लीकेशन है योनो। तो योनो की ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट हुई है सपना बर्मन। ये है कौन, ये वही लेडी है जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था हेप्थलॉन में। और गाइस आगे बढ़िए, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए,
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्वप्ना बर्मन को अपने योनो एप्लीकेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। योनो एप्लीकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक UPI एप्लीकेशन है, जस्ट लाइक फोन पे। अगर आप फोन पे यूज करते हैं तो सेम वही काम योनो भी करता है। ठीक, तो आइए बात करते हैं कि स्वप्ना बर्मन है कौन। चलो आगे बढ़िए। तो स्वप्ना बर्मन वॉन द गोल्ड मेडल इन हेप्टेथलॉन इन जकार्ता एशियन गेम्स। और हेप्टेथलॉन जो बेटा है ये कम से कम 8 गेम का एक कंबाइंड फॉर्मेट होता है। मतलब इसमें रनिंग भी होती है, जेवलिन थ्रो भी होता है, सारे गेम होते हैं, तो उनको मिलाकर बनता है। मतलब आप कह सकते हो कि ये आयरन लेडी भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दे कंप्यूटर जी, आगे बढ़ के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इन्फॉर्मेशन देखिए। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत मानी जाती है कि ये 1806 में एक बैंक था, बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसे बाद में नाम चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था। वहां से यह शुरू हुआ। बाद में क्या हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ बंगाल, स्टेट बैंक ऑफ बॉम्बे और स्टेट बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और आगे चलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से ही 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। ये पूरी कहानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन रजनीश कुमार है। ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिर से एक बार बैलून और अवार्ड की। और यहां पर एक दूसरी ट्रॉफी की बात करेंगे। कैलियन ने सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी ट्रॉफी जीती है। कहां पर, आइए आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंच फुटबॉलर, इनका नाम क्या है, कैलियन एम्बापे, वाज नेम्ड द विनर ऑफ द कोपा ट्रॉफी एट द बैलून डोर सेरेमनी इन पेरिस। देखिए पहली बात, बैलून डोर जो ये सेरेमनी है ये पेरिस में हो रही है। कल हमने आपको बताया था कि और कौन कौन से बैलून डोर के विजेता हैं। आज हम बता रहे हैं कोपा ट्रॉफी की। तो बैलून डोर में एक नया अवार्ड शुरू किया गया है, कोपा ट्रॉफी। देखिए द ट्रॉफी इज गिवन टू द बेस्ट यंग फुटबॉल प्लेयर अंडर 21 ईयर ऑफ एज। तो 21 साल से नीचे के जो बेस्ट फुटबॉलर होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। आगे बढ़िए और अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये जो हमारे कैलियन एम्बापे हैं ये पहले ट्रॉफी के विजेता है, मतलब पहली बार ये दिया ही गया है। और ये क्यों दिया गया है, तो बैलन डोर के जो विनर थे रेमंड कोपा, उनके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है, कोपा ट्रॉफी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। आगे बढ़ते हैं और आपका रिवीजन कर देते हैं। कल हमने आपको बैलन डोर मेल और फीमेल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। आप फिर देख लें यहाँ पे, आप चाहे लुका मॉड्रिक की बात करें, चाहे आप एडा हैग्रेव की बात करें। और आज हमने किसकी बात कर ली है, आज हमने बात कर ली है कैलियन एम्बापे की। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा रिवीजन में। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन की हम बात करेंगे। कल हमने इनके CEO की बात की थी कि कौन इनका CEO अपॉइंट हुआ है। आज हम अवार्ड की बात कर रहे हैं। तो किप चोगे और एब ग्रुवेन वॉन IAF अवार्ड। अब ये क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको इन्फॉर्मेशन। देखिए तो मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, इनका नाम क्या है, एलियट किपचोगे, और कोलंबियाई लॉन्ग जंपर कैटरीन इब ग्रुवेन ने IAF एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। यानी एक लोग केन्या के हैं और एक लोग कोलंबिया के हैं, केन्या कोलंबिया। आपको इनका नाम याद रखना है। नाम याद रखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। ठीक, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, हम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की बात कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको इसके स्टैटिक पॉइंट दिखाए थे। कंप्यूटर जी आगे बढ़े जरा। तो हेडक्वार्टर आपको याद रखना है मोनाको में है। प्रेसिडेंट सेबेस्टियन को फाउंडेड कहाँ पर, 1912 में स्वीडन में। और मेंबरशिप 215 मेंबर फेडरेशंस हैं इसके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दिल्ली डेयरडेविल्स की बात करें तो दिल्ली डेयरडेविल्स का नाम चेंज होकर दिल्ली कैपिटल्स हो गया है। शिखर धवन भी यहाँ से खेलेंगे। देखिए तो दिल्ली डेयरडेविल्स वॉज रीनेम्ड एज दिल्ली कैपिटल्स, नाम चेंज हो गया इसका। अब देखिए कौन कौन इसके मतलब मालिक कौन है, तो पार्थ जिंदल एंड किरण कुमार गांधी, ये लोग क्या हैं, ये लोग दिल्ली कैपिटल्स के सह मालिक हैं, मतलब को ऑनर हैं। ठीक, याद रखिएगा, अभी रेलवे के एग्जाम में इनके मतलब कि हर कंपनीज के CEO MD पूछे जा रहे थे, तो IPL के टीम के भी पूछे गए थे, तो आपको याद रखना है। ठीक है, और श्रेयस अय्यर जो है वो कैप्टेंसी करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की इस बार। चलिए आगे बढ़िए। ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग जो है वो दिल्ली कैपिटल्स के कोच अनाउंस किए गए हैं, ये भी इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, हम थोड़ी सी इंडियन प्रीमियर लीग की बात करेंगे यहां पर। देखिए तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, BCCI, और ये फॉर्मेट है T20 का। 2008 में पहला एडिशन आया था और इसका लास्ट एडिशन मतलब हुआ 18 में, अगला कब आएगा 19 में होगा। और देखिए करंट चैंपियन चेन्नई सुपर किंग है, मोस्ट सक्सेसफुल चैंपियन मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग, 3-3 बार जीता इन्होंने। सबसे ज्यादा रन बनाए हैं सुरेश रैना ने IPL में और सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं लसित मलिंगा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
बुडापेस्ट की बात करें, बुडापेस्ट टू होस्ट 2023 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो बुडापेस्ट जो है वो 2023 का एथलेटिक्स चैंपियनशिप होस्ट करेगा, ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। देखिए, द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन अनाउंस दैट बुडापेस्ट विल होस्ट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन 2023, 2023 का, ये आपको याद रखना है। 2019 का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है ये दोहा कतर में हो रहा है, और 2021 का कहाँ हो रहा है, ओरेगन में हो रहा है। ओरेगन एक यूएस का स्टेट है, ये यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो दोनों की इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। 23 कहाँ पर होगा, 23 हमारा होगा बुडापेस्ट में, मतलब कि ये हर दो साल में होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, हंगरी की कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दें। तो बुडापेस्ट की बात हो रही है, तो बुडापेस्ट कैपिटल है हंगरी की, आपको बताइए, तो हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है, और करेंसी क्या है, फोरिंट है, ये याद कर लीजिएगा। कतर की बात करें, कैपिटल दोहा है, करेंसी रियाल है, ये आपको याद रखनी है बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और अब बिजनेस इकॉनमी की बात करेंगे, और यहाँ पर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर जी आप आगे बढ़ गए क्या थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंजेक्ट ₹10,000 करोड़ थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 6 दिसंबर को ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू 10,000 करोड़ रुपए हमारे मार्केट में डालने वाला है, और ये कैसे करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू करेगा 6 दिसंबर। आगे बढ़िए, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो परचेस करेगा वो कैश मैनेजमेंट बिल के फॉर्म में होगी। कैश मैनेजमेंट बिल, अगर आपने मेरा मनी मार्केट का वीडियो देखा होगा टेस्टबुक के यूट्यूब चैनल पे, तो आपको कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो कैश मैनेजमेंट बिल जो है ये एक तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके थ्रू बोरोइंग करता है। तो देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो तरह की होती है, एक होती है ट्रेजरी बिल और एक होती है कैश मैनेजमेंट बिल। तो ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल दोनों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है आपको यह भी जानना होगा। देखिए, यहां पर कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में बोला गया है कि इसकी मैच्योरिटी लेस देन 91 डे होती है। ये सारे पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंट को आप चाहे तो पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, और अगर समझना है तो आप हमारे मनी मार्केट वाली क्लास में जाएंगे, वहां पर मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। इतना समझिए कि कैश मैनेजमेंट बिल एक सिक्योरिटी होती है जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरिंग करती है, और इसकी मैच्योरिटी लेस देन 91 डे होती है, ठीक है। आगे बढ़े कंप्यूटर जरा देखिए, What is the difference between cash management bill and treasury bill? तो यहीं पर ये बोला गया है कि treasury bill की maturity 91 day, 182 day and 364 day होती है। मतलब कि at least 91 day के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन cash management bill की maturity less than 91 day होती है, मतलब 90 दिन, 70 दिन, 80 दिन, 60 दिन, 90 के ऊपर कभी नहीं जाएगा। तो बस यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी वाली क्लास में पढ़ाया यूट्यूब पर कि मॉनेटरी पॉलिसी बाई मंथली पॉलिसी होती है, मतलब हर दो महीने पर इनके पॉलिसी का रिव्यू होता है। तो दो महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट करता है कि क्या इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, उसके हिसाब से अपने रेट को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। आगे बढ़े जरा देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, और इन्होंने किसी भी रेट को चेंज नहीं किया है। हर दो महीने पर इनका रिव्यू आता है, मतलब अगर दिसंबर में आएगा तो अब कब आएगा, फरवरी में आएगा, ठीक है। तो अप्रैल वाला फिर से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू जाएगा, तो लास्ट फरवरी में आने वाला है, ठीक है। और इसमें कोई रेट चेंज नहीं किया गया, रेपो रेट को 6.5% किया गया है। आगे बढ़िए जरा, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर कोई बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेता है शॉर्ट टर्म के लिए, पहली बात। तो क्या बोला गया है कि मतलब कि अगर इससे, अगर रेपो रेट को चेंज नहीं किया गया है तो उसके होम लोन पर या किसी भी रेट पर चेंज नहीं किया जाएगा। अगर रेपो रेट इंक्रीज होता तो हमारे देश का लोन महंगा हो गया होता, और रेपो रेट डिक्रीज होता तो हमारे देश का लोन सस्ता हो गया होता, ये इन्फॉर्मेशन बोली जा रही है। और इस बार के जो रेट्स हैं वो आपके सामने हैं, CRR 4%, SLR 19.5%, रेपो रेट 6.5%, रिवर्स रेपो रेट 6.25%, अगर हम आप बैंक रेट की बात करेंगे तो 6.75%, और MSF भी 6.75%, इन्फ्लेशन रेट 3.69%। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई। दीपांकर बोल रहे हैं सर थोड़ा धीरे, जी दीपांकर एक्चुअली क्या बेटा, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है वो डीप में, अगर आपने नहीं पढ़ाया तो प्लीज़ एक बार जाकर आप मॉनिटरी पॉलिसी वाला वीडियो देखें, तो पूरी इन्फॉर्मेशन बेटा यहाँ पर दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड कौन होता है, गवर्नर होता है, तो हमारे गवर्नर कौन आपको पता ही, अर्जित पटेल जी हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रसाद स्कीम के बारे में बात करते हैं, तो गंगोत्री यमुनोत्री इंक्लूडेड अंडर प्रसाद। अब ये प्रसाद है क्या, तो प्रसाद स्कीम जो है, तो जो हमारे देश के तीर्थ स्थल है, जो हमारे देश के तीर्थ स्थल हैं उनका कायाकल्प करने के लिए, उनको रिजुविनेट करने के लिए प्रसाद स्कीम लॉन्च की गई है। पहले फिगर में आपको सारे प्रसाद स्कीम के सेंटर्स दिखाई पड़ रहे होंगे कि कौन कौन से सिटीज को डेवलप किया जा रहा है। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्लूडेड गंगोत्री एंड यमुनोत्री इन उत्तराखंड, अमरकंटक इन मध्य प्रदेश, पारसनाथ इन झारखंड अंडर द प्रसाद स्कीम।
और प्रसाद स्कीम का फुल फॉर्म भी आपको पढ़ना है। आपके एग्जाम में एब्रीविएशन से क्वेश्चन देखे गए हैं तो प्रसाद आपको याद कर लिए। तो हम बात करें गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरकंटक और पारसनाथ, इन चार जगहों को प्रसाद स्कीम में लॉन्च किया गया है और अब गवर्नमेंट इसको एज ए टूरिस्ट प्लेस भी डेवलप करने वाली है। ठीक है, देखिए तो प्रसाद जो है देश में तीर्थ यात्रा और विरासत स्थलों को विकसित करने की एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, और प्रसाद स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रेल टूरिज्म के अंडर में चलती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर जी आपको दे रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर जी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जो जो प्रसाद में सिटीज आती हैं सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। टोटल 12 शहर इसके पहले थे। प्रांजल पांडे बोल रहे हैं SLR 18% हो गया है। SLR देखिए रेपो रेट में तो कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके पहले वाली साइट की बात करें अगर तो हम लोग यहाँ पर SLR 19.5% रखा गया है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखो SLR रेपो रेट में कोई लैंडिंग रेट में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। SLR में एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। देखिए तो प्रसाद की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर सारे शहर प्रसाद के बारे में दिखाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं ज़रा, और यहाँ पर एक स्लाइड आएगी जहाँ पर आपको यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के पूरी इन्फॉर्मेशन है। कंप्यूटर जी आप आगे बढ़ गए थोड़ा सा। अच्छा स्लाइड लग रहा है आपने नहीं, ठीक है ठीक है, स्लाइड की आपकी दिक्कत है, चलिए कोई बात नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना। ठीक है, एक मिनट परेशान मत हो, SLR के बारे में इन्फॉर्मेशन देख लें। हाँ, आज दिन में 2 बजे मेरी क्लास है, नवंबर के करंट अफेयर्स का पूरा 101 MCQs दिन के 2 बजे मैं कराने वाला हूँ आपका रिवीजन। दिन के 2 बजे आपको आना है, वहाँ पर SLR के बारे में कन्फर्म कर दूंगा। आपस में बात नहीं, ठीक है ठीक है, आपस में बात नहीं, ठीक है हाँ ठीक है ठीक है। चलो एक बार आइए MCQ शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो MCQ शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ दिया है कि भारतीय वायुसेना और किसके बीच में शिन्यू मैत्री डिफेंस एक्सरसाइज शुरू हुई है आगरा में। अरे चित्रा 2% कट होगा तो तबाही मच जाएगी, परेशान दिन के 2 बजे आइए, वहां पर मैं कंफर्म कर दूंगा। परेशान क्यों हो रहे हो, एक बार मैं साइट चेक कर लूंगा, मैं दिखा दूंगा आपको क्या है क्या नहीं है। क्यों परेशान हो रहे हो, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है, लेकिन 101 MCQs है तो मैं आपसे उतना बात नहीं कर पाऊंगा। मैं केवल क्वेश्चन लगाऊंगा, उसका आंसर देता जाऊंगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो बस आपको अपने आपको जज करना है वहां पर कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर जापान है, सही आंसर आप यहां पर दे पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। The government of India has and the Asian Development Bank signed 85 million loan agreement. आपको पता है कि government of India और Asian Development ने कल ही मैंने पढ़ाया कि 85 million dollar का loan agreement साइन हुआ है किस स्टेट के लिए। तो ये आंसर आपको क्या याद है कि नहीं याद है, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा इज राइट आंसर, सॉरी ओडिशा इज राइट आंसर गाइस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। When is Navy Day celebrated every year? Navy Day किस दिन celebrate किया जाता है ये आपको बताना है। और I think अभी मैंने कुछ देर पहले ये information दी थी, यहाँ पर 5 option हैं और सही answer आपको देना था। तो 2 बजे आपको आना है और आकर आपको वहाँ पर अपने revision करने हैं। और जिन बच्चों को हमारा जो PDF doc के form में चाहिए तो मैं अभी link paste कर दूंगा यहाँ chat में आपके, तो उस link के through आप directly जाकर doc के form में हमारा पूरा PDF download कर सकते हैं। उसमें MCQs भी होंगे, उसमें questions भी, point भी होंगे। ठीक है, 4 December इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड वन ऑफ द 7 मेंबर ऑफ द जज कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो ये मैं आपको आंसर बता चुका हूँ, आपको इसको आपको कल मैं पढ़ा चुका हूँ और आपको इसका आंसर करना है। इसका आंसर क्या हो सकता है और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा पवन सिंह। पवन सिंह इज राइट आंसर गाइस, पवन सिंह इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, Who won the women's ski title at the 62nd National Shooting Championship competition for shotgun event in Jaipur? तो जयपुर में ये हुआ, आपको मैंने कल पढ़ाया था, आपको इसका आंसर देना है। आंसर क्या होगा इसका, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा महेश्वरी चौहान। महेश्वरी चौहान इज राइट आंसर, महेश्वरी चौहान इज राइट आंसर गाइज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। Which of the following places has hosted the International Conference on Beers from 3 December to 6 December? और आंसर क्या होना है ये आपको बताना है। आंसर क्या होगा, भोपाल, आगरा, झांसी, इंदौर, गुवाहाटी, कल की न्यूज़ है ये। एंड आंसर इज
आंसर इज आगरा. आगरा इज राइट आंसर गाइस. बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है. दीक्षा त्रिपाठी वेरी गुड. अंजलि जी, सुशील बहुत अच्छा, राजदीप बहुत अच्छे, अजय बहुत अच्छा, चार्ली बिल्कुल बहुत बढ़िया. आप लोग तो रॉक स्टार हो गए यार. आगे आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. Which of the following along with Bombay Stock Exchange has launched the EATM facility on 3 December? EATM facility की बात यहाँ पर हो रही है. तो BSE ने किसके साथ मिलकर ये शुरू किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है. एंड आंसर क्या करना है यहाँ पे, भाविया जी थैंक यू वेरी मच, अंजलि, आर एस सुधांशु वेरी गुड, विकास, हरपाल सिंह बहुत अच्छे. एंड आंसर इज ICICI सिक्योरिटीज़. ICICI सिक्योरिटीज़ इज राइट आंसर गाइस. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे. Which company approved the merger of GlaxoSmithKline Consumer Healthcare through an all equity deal on 3 December? मतलब कि GlaxoSmithKline के साथ कौन सी कंपनी मर्ज हो रही है, तो कल की इंफॉर्मेशन है ये. और यहाँ पे सिक्की SBI ने गलत आंसर बेटा आपका, ICICI बैंक. पूरे में पूरा आंसर आना चाहिए, सारी न्यूज़ कल की मैंने पढ़ाई है, तो गलत नहीं कहीं से होना चाहिए. एंड आंसर इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इज राइट आंसर. स्टैंक वेरी गुड, फैंटास्टिक. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. हु वॉन द बैलोन डी ओर 2018 इन पेरिस ऑन 3 दिसंबर? कल की न्यूज है बेटा, और आज मैंने इसका रिविजन भी कराया है, तो आई थिंक आप लोग उसका आंसर दे देंगे. सारे आंसर आ रहे हैं सही. विश्वजीत वेरी गुड, फैंटास्टिक. सत्यम, संगीता बहुत अच्छे बेटा, विश्वजीत बहुत अच्छा, मोहित बहुत अच्छा, नैना बहुत बढ़िया बेटा. तो आंसर इज लुका मॉड्रिक. लुका मॉड्रिक इज राइट आंसर, वेरी गुड. तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस एंड वार्षिक बैंकिंग सिस्टम आउटलुक ऑन इंडिया ने हमारे इंडिया की ग्रोथ रेट को 2019-20 के लिए कितना प्रोजेक्ट किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है. यहाँ पर बहुत अच्छे बच्चे हैं और बड़े अच्छे से आंसर कर रहे हैं, थैंक यू गाइस. मतलब अच्छा, एक बात आप तो मानेंगे कि हम लोग का भी तो एक रिलेशन बन चुका है ना. मतलब जैसे कि क्या होता है कि अगर मैं लेट भी आया तो बात, मैं लेट नहीं आता, मैं रहता हूँ यहीं पर, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं तो आप लोग रहते हैं, आप लोग के सपोर्ट हमेशा है, बड़ा अच्छा है ये चीज़. हमने कुछ आपको दिया है तो हमने एक चीज़ तो जीता है, आपका दिल जीता है, आपका विश्वास जीता है. और ये बड़े प्राउड होके मैं बोल सकता हूँ कि बड़े कम टाइम में एक अच्छा रिलेशन हमारा बना है. मैंने ऑनलाइन शुरू किया मतलब जस्ट लाइक मई से, और अभी दिसंबर है, बहुत पुराना मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा है हम लोग का आपस में रिलेशन. 7.4% इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन 3 दिसंबर? तो हमारे देश के नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर करना है. क्या इसका आंसर होगा? यहाँ पर 5 ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहे हैं. सही आंसर है अजय नारायण झा. अजय नारायण झा इज राइट आंसर. नवनीत थैंक यू वेरी मच. राजन राज बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही आंसर यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं. सुमित बिल्कुल सही, मोहित बिल्कुल सही, अजय नारायण झा इज राइट आंसर गाइस. अच्छा बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं. हु रिसीव द हीरो टू एनिमल अवार्ड बाय द पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया? ये दिल्ली के मिनिस्टर हैं जिन्होंने चाइनीज मंझा पूरे दिल्ली में बैन कर दिया था, आपको मैंने पढ़ाया है. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इमरान हुसैन. वेरी गुड, इमरान हुसैन इज राइट आंसर. आंसर आ रहे हैं विग्नेश वेरी गुड, मनीषा, विपिन जोशी बहुत अच्छे. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं. सोनिया रॉय जी ठीक है, अक्षय थैंक यू सो मच. किस राज्य ने 3 दिसंबर को पीपल्स इन्वॉल्वमेंट इनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कार्यक्रम शुरू किया? पीठा की बात हो रही है और ये मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है. एंड आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ओडिशा. ओडिशा इज राइट आंसर. परवेश वेरी गुड, ज्योति वेरी गुड बेटा. क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं. तो विच स्टेट हैज लॉन्च द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम फॉर इट्स सिटीजन ऑन 1 दिसंबर? तो किस स्टेट ने टॉप किया है? गुजरात. और अभी राइट नाउ किस स्टेट ने इसे अपने में स्टेट में लॉन्च किया है? तो यहाँ के गवर्नर ने लॉन्च किया था, मैंने आपको बताया था. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर इज राइट आंसर गाइस. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर ये रहा. Who became the first ever Indian individual medal winner in 2018? International Association of Ultra Running 24-Hour Asia and Oceania Championship. ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, आपको इसका आंसर देना है. इसके बाद अभी सचिन सर की क्लास होगी तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं. पूरा शेड्यूल देख लीजिए. सचिन सर की क्लास है, उसके बाद श्याम सर हैं, हमारे मैथ्स के विनीत सर हैं, हमारे परिकल्प सर हैं, शेफाली मैम हैं, सबकी क्लास लाइन से लगी रहती है. तो शेड्यूल ज़रूर एक बार देख लिया करें. और अगर किसी को पढ़ना है, आज थर्सडे है तो किसी को पढ़ना है बजट, किसी को पढ़ना है बजट, तो बजट मैं पढ़ाने वाला हूँ शाम में.
और ऐसा बजट पढ़ाऊंगा जो कहीं पर आपने पढ़ा नहीं होगा कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप लोग जानते हैं मुझे मैं कैसे पढ़ाता हूँ तो इस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। आई थिंक 6:15 पर क्लास है। कंप्यूटर जी जरा मुझे शेड्यूल फिक्स बता दें कि 6:15 पर शायद मेरी बजट की क्लास होगी, आइएगा ज़रूर। उल्लास नारायण सही आंसर है। तो 6:15 पे बजट पढ़ाएंगे और वो क्लास है जीडी कांस्टेबल की क्लास है 6:15 ना, तो आइएगा और लीजिए क्लास जरूर, बजट पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है। बजट का मतलब क्या हुआ, बजट का मतलब हुआ कि कैसे बजट बनता है, क्या क्या चीज़ें फॉलो होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर विल द इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2018 बी हेल्ड फ्रॉम 5 दिसंबर टू 7 दिसंबर, बताइएगा। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको और क्या इसका आंसर होगा। वैशाख नहीं, ऑफलाइन में नहीं मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं भाई, आगे पढ़ लेना, ठीक है। 6:15 6:15 पे समय है बजट पढ़ाने का, ठीक। चलिए हाँ, आज का बजट अंशुल पांडे पास हो जाएगा, तुम्हारा बजट जल्दी पास करने वाले हैं, रुक जाओ जरा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यू दिल्ली की बात करते हैं, न्यू दिल्ली इज़ राइट आंसर गाइस। और क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो वेयर वॉज द गांधी जायद डिजिटल म्यूजियम इनॉग्रेटेड ऑन 4 दिसंबर, आपको पता है कि सुषमा स्वराज जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, और आंसर क्या होगा, तो आंसर आपको पता है, पढ़ा चुके हैं, आंसर होगा आबू धाबी, एंड आबू धाबी इज राइट आंसर, आबू धाबी इज़ राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, हाँ बिल्कुल आंसर आप लोग सही दे रहे हो, बिल्कुल सही दे रहे हो। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड जॉन रिजॉन एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किससे किया गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, अच्छा है, सही है, सही है, सही है। तो आपको बताना है कि जॉन रिजॉन को किसने अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। तो अभी हम लोग बात कर ही रहे थे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, इसका हिंदी नहीं है हमारे पास क्योंकि क्वेश्चन को फिर से बनाया गया कुछ नया पॉइंट देने के लिए। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल इंडिजीनियस फिल्म फेस्टिवल विल टेक प्लेस इन विच स्टेट, तो इंडिया का पहला इंडिजीनियस फिल्म फेस्टिवल किस स्टेट में होस्ट हुआ, ये आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ओडिशा, ओडिशा इज राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू विन जॉर्ज नॉर्मन मेडल, ग्रेग नॉर्मन मेडल, तो पहली महिला जिन्होंने ग्रेग नॉर्मन मेडल जीता है, ये आपसे पूछा गया है और आपको सही आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा, ओडिशा इस राइट आंसर, वेस्ट बंगाल नहीं, अंशुल पांडे यहीं पे गलत हो जाएगा, सुमित बिल्कुल सही, रोशन बिल्कुल सही आंसर, ममता बिल्कुल सही आंसर, और इसका आंसर क्या था, ओडिशा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू विन ग्रेग नॉर्मन मेडल, यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन है, सही आंसर हमें चूज करना है, एंड सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर होगा मिंजी ली, ऑप्शन नंबर 3, मिंजी ली इज राइट आंसर। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, और आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ 2 बजे हम 101 MCQs पर बात करेंगे नवंबर की, और 6:15 पे हम बात करेंगे बजट की, तो मैं आपका वेट करूंगा 2 बजे भी और 6:15 पर भी कि आप लोग आएंगे और धमाल मचाएंगे। 2 बजे वाले शो में मैं आपसे थोड़ा बात कम कर पाऊंगा क्योंकि बिकॉज थोड़ा सा मेरा टाइम नहीं होता है, 101 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आएंगे आपको आंसर करने हैं, और 6:15 पर बजट के लिए आपको आना है, धमाल मचाना है। टेक्स्टबुक की और भी फैकल्टीज हैं, उनके लेक्चर्स देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वी हैव गुड टीम, वी हैव बेटर टीम, और वी विल बेस्ट, हम बनेंगे, हम सब कुछ आपके फीडबैक से ही करते हैं। तो अभी इसके बाद सचिन सर आपको पढ़ाने आ रहे हैं रीजनिंग। तो सचिन सर के बारे में देखिए एक बात मैं बोलूँ, इनके नाम में सचिन भी है और इनके नाम में मोदी भी है, आगे आप लोग समझदार हैं। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसको इंजॉय करिए, उसको ग्रैप्स करिए, अगर वो अच्छा है तो। एग्जाम पास में है बहुत आपके, तो आपको थोड़ा सा टाइम अपने स्टडी पर देना है। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको सिलेक्शन के करीब ले जाती हैं, जैसे स्पीड टेस्ट हो गया, फालतू का समय खराब करना हो गया, पबजी गेम ना खेलना, व्हाट्सएप को कम यूज़ करना, फेसबुक को कम यूज़ करना, ये सब आप शुरू कर दीजिए। अच्छे बच्चे बनिए, जेंटलमैन बनिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करिए, हमेशा नीचे रहिए, सबके नीचे रहिए, जितना मिले ना उतना खींचिए, अच्छी बातें खींचिए, बुरी बातें छोड़िए, कभी एटीट्यूड या घमंड नहीं आना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए बट पॉजिटिव, अच्छे इंसान बनिए, और जो अच्छा होता है ना उसके साथ कभी गलत नहीं होगा, ये महादेव भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं तो महादेव का भक्त हूं, तो मुझे बस एक ही बात सीखने को मिली है कि अगर हम कुछ गलत कभी करेंगे नहीं, अगर हम हर काम अच्छे से कर रहे हैं, हम अच्छे इंसान हैं, तो क्यों गलत होगा हमारे साथ। तो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए,
अच्छे काम करिए और अच्छे काम आपको हमेशा आगे ले जाएंगे, और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिए, क्योंकि भगवान तो नहीं है वहाँ पर, हम दिखा नहीं है, लेकिन हमारे सामने दो भगवान रहते हैं हमेशा, उनके भी आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आप लोगों से 2 बजे, तब तक अपना ख्याल रखिए और सबको टेक केयर और हैव अ गुड डे, बढ़िया से इन्जॉय करिए।